पप्पू बेटा और गप्पू बेटा तो आज अपने घर के बाहर दिखाई नहीं दे रहे। ये घर तो पप्पू बेटा और गप्पू बेटे का है, पर ये दोनों बच्चे तो आज दिखाई नहीं दे रहे। ये पता नहीं कहाँ चले गए। चलो इनका हमें पता लगाना होगा कि पप्पू बेटा गप्पू बेटा तो आज अपने घर के बाहर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। चलो इनका हम इनके घर के ऊपर पता लगाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो पप्पू बेटा गप्पू बेटा अपने घर के ऊपर बैठे हुए हैं, पर ये दोनों बच्चे तो बहुत उदास लग रहे हैं। पता नहीं क्यों, ये दोनों बच्चे तो बहुत ज्यादा उदास है। चलो इन दोनों बच्चों का तो हमें पता लगाना होगा कि ये दोनों बच्चे उदास क्यों हुए। चलो इनके घर के अंदर तो कोई प्यारे से डाक साहब आए हुए हैं और बड़ी वाली सुई लेके आए हुए हैं। ये डाक साहब पता नहीं क्यों आए हुए हैं। मुझे लगता है ये डाक साहब तो टीकाकरण कराने के लिए आए हुए हैं। इन दोनों बच्चों का आज टीकाकरण है, इसीलिए डाक साहब तो बड़ी वाली सुई लेके आए हुए हैं। ये वाली सुई तो पप्पू बेटा गप्पू बेटा को लगाने वाले हैं, क्योंकि इनका तो आज टीकाकरण होगा, इसीलिए दोनों बच्चे तो आज घर के ऊपर चढ़ गए। और देखो अंगूर और कोई पाइनएप्पल भी नहीं खा रहे, क्योंकि ये दोनों तो बहुत घबरा रहे हैं। इन दोनों बच्चों को तो आज एक एक सुई लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो आज टीकाकरण कराने के लिए आए हुए हैं, इस वाली एम्बुलेंस गाड़ी से आए हुए हैं। चलो इन दोनों बच्चों को तो हमें नीचे करना होगा, क्योंकि इन्हें तो एक एक सुई लगने वाली है, टीकाकरण है। चलो सबसे पहले पप्पू बेटा को सुई लगाए कि गप्पू बेटा को सुई लगाए। सबसे पहले तो पप्पू बेटा को सुई लगाते हैं, क्योंकि इनका तो आज टीकाकरण है। चलो पप्पू बेटा तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। अरे वाह, पप्पू बेटा को नहा पे सुई लगा दो, क्योंकि आज पप्पू बेटा का तो टीकाकरण है। चलो डॉक्टर साहब जल्दी से पप्पू बेटा को सुई लगा दो, लगा दो, लगा दो। अरे वाह, पप्पू बेटा को तो सुई लगा दो, जल्दी से लगाओ, लगाओ, लगाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लगाते रहो, लगाते रहो। अरे वाह, देखो पप्पू बेटा को सुई लग चुकी है, क्योंकि आज इनका टीकाकरण है। चलो जल्दी से सुई निकालो, निकालो। अरे वाह, जल्दी से निकालो, पप्पू बेटा को तो सुई लग गई है। चलो पप्पू बेटा तुम जल्दी से यहाँ पे बैठो, अब गप्पू बेटे की बारी है। चलो गप्पू बेटा को भी जल्दी से सुई लगाओ। अरे गप्पू बेटा तुम रो मत, क्योंकि तुम्हें तो छोटे वाले सुई लगने वाली है। गप्पू बेटा तो बहुत रो रहा है, क्योंकि इसे तो इस वाली सुई से बहुत डर लगता है। चलो ये वाली सुई गप्पू बेटा को भी जल्दी से लगा दो, चलो जल्दी से लगाओ, लगाओ, लो। अरे वाह, देखो पप्पू बेटा को सुई लग चुकी है और गप्पू बेटा को भी सुई लग रही है। अरे वाह, चलो जल्दी से ये वाली सुई निकाल दो, क्योंकि गप्पू बेटा का टीकाकरण भी हो गया है। अरे वाह, इन दोनों बच्चों का टीकाकरण तो आज हो गया है, कि इन दोनों का टीकाकरण कराने के लिए कोई प्यारे वाले डॉक्टर साहब आए हुए। चलो देखते हैं पप्पू बेटा को खाने के लिए तो कोई प्यारे वाले अंगूर आए हुए। चलो ये अंगूर तो पप्पू बेटा खाएगा, और गप्पू बेटा खाने के लिए तो कोई पाइनएप्पल आया हुआ है, ये वाला पाइनएप्पल तो गप्पू बेटा खाएगा। अब डॉक्टर साहब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, कि इन दोनों बच्चों का टीकाकरण तो हो गया है। चलो देखते हैं पप्पू बेटा, गप्पू बेटा के मम्मी जी पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। चलो देखते, अरे वाह, पप्पू बेटा गप्पू बेटा के मम्मी जी पिताजी तो कितने प्यारे से लग रहे हैं, और ये अपने घर पे तो पकवान बना रहे हैं, पकवान में दाल और चावल बना रहे हैं। इनके घर पे तो मेहमान आए हुए, मोटू जी आए हुए और पतलू जी आए हुए, इसीलिए तो आज पकवान बना रहे हैं। पकवान तो पप्पू बेटा गप्पू बेटा भी खाएंगे। उनके घर पे कोई स्कूटर से तो कोई एक और मेहमान आ रहा है, इनके घर पे तो आज बहुत सारे मेहमान आए हुए। चलो देखते पप्पू बेटा गप्पू बेटा के मम्मी जी पिताजी के साइड में तो कोई दो दो गुड्डे आए हुए, एक लाल कलर का गुड्डा और एक पीला कलर का गुड्डा। पर ये दोनों गुड्डे भी बहुत घबरा से जा रहे हैं। चलो इन दोनों गुड्डों का भी पता लगाना होगा। ये घर के नीचे तो कोई गैया आई हुई है, ये वाली गैया तो इन दोनों गुड्डों को दूध पिलाने के लिए आई हुई है। और इनके साइड में तो कोई प्यारे वाला डॉक्टर साहब आए हुए है, कोई मोटी वाली सुई लेके। मुझे लगता है ये डॉक्टर साहब तो इन दोनों गुड्डों का टीकाकरण करने वाले, इसीलिए डॉक्टर साहब नीचे आए हुए है। और ये क्या, इस वाली गाड़ी से तो कोई खरगोश और कोई हाथी जा रहा है। ये दोनों बच्चे तो डॉक्टर साहब के पास टीकाकरण कराने के लिए आए थे। इन दोनों बच्चों का टीकाकरण तो हो गया, चलो तुम जल्दी से यहाँ से जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। अब टीकाकरण तो इन दोनों गुड्डों का होने वाला है। चलो सबसे पहले तो लाल कलर वाले गुड्डे का टीकाकरण करते हैं। चलो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, आ जाओ। अरे बाप, और इस वाले गुड्डे का जल्दी से डॉक्टर साहब टीकाकरण कर दो। चलो इस वाले गुड्डे को जल्दी से मोटी वाली सुई लगा दो। अरे बाप, देखो डॉक्टर साहब ने तो इस वाले गुड्डे को मोटी वाली सुई लगा दी है। चलो ये वाली सुई जल्दी से निकालो, निकालो। अरे बाप, और इस वाले गुड्डे को अपनी जगह पे बिठा दो। अरे बाप, अब इस वाले गुड्डे की बारी है। चलो इस वाले गुड्डे को भी जल्दी से नीचे लाओ, ले आओ। अरे बाप, और इस वाले गुड्डे को भी मोटी वाली सुई लगा दो जल्दी से। अरे वाह,
फिर देखो मोटी वाली सुई तो इस पीले वाले गुड्डे को भी लग गई। अरे वाह, चलो इन दोनों गुड्डे का टीकाकरण तो आज हो गया है। अरे वाह, ये दोनों गुड्डे तो बहुत घबरा ऐसे हुए थे कि इन दोनों गुड्डों को तो टीकाकरण कराने के लिए प्यारे वाले डॉक्टर साहब आए हुए थे। डॉक्टर साहब ने इन दोनों गुड्डे के लिए तो एक एक माजा लेके आए हुए। ये वाली माजा तो ये लाल कलर का गुड्डा पिएगा और ये वाली माजा तो ये पीला कलर वाला गुड्डा पिएगा। अरे वाह, ये दोनों गुड्डों को दूध देने के लिए तो कोई प्यारी वाली गैया भी आई हुई है। और डॉक्टर साहब तो कितने प्यारे से कोई मोटी वाली सुई लेके आए हुए है। चलो देखते हैं, डॉक्टर साहब के साइड में तो कोई बजाने वाला आया हुआ है। ये बजाने वाला तो बहुत प्यारा बजाता है। और देखो इनके पीछे तो कोई प्यारे से डायनासोर कोई मंकी मामा आए हुए इस बजाने वाले को देखने के लिए। अरे वाह, चलो देखते हैं, आज की कहानी देखने में तो बच्चों कितना मजा आ रहा है। और ये क्या, ये तो जलपरी रानी घर के साइड में तो कोई जलपरी रानी की बड़ी वाली लड़की आई हुई है। और इन लड़की के पास में गालों में लगाने वाली क्रीम, होठों में लगाने वाली लिपस्टिक आई हुई है। और जलपरी रानी की दो दो लड़की भी आई हुई है, छोटी वाली लड़की और बड़ी वाली लड़की। इस वाली लड़की के पास में खाने के लिए तो कोई आइसक्रीम आई हुई है और इस वाली लड़की के पास में खाने के लिए कोई पिज्जा आया हुआ है। आज जलपरी रानी की तीनों लड़कियां तो बहुत खुश नजर आ रही है। अरे ये क्या, ये तो जलपरी रानी का छोटा वाला लड़का है। और इस वाले रास्ते से तो कोई हथनी आ जा रही है इस बाल बच्चे का दूध पीने के लिए। चलो इस बाल बच्चे की मदद करने के लिए देखते जलपरी रानी के घर के ऊपर तो कोई प्यारे से हल्का जी आए हुए। हल्का जी, जल्दी से इस बाल बच्चे की मदद करो, क्योंकि इस बाल बच्चे की दूध तो कोई हाथी पी जा रहा है और इस वाले बच्चे तो बहुत घबराया हुआ सा है। चलो हल्का जी, तुम जल्दी से आ जाओ और इस वाले हाथी को कहीं जंगल में लेके चले जाओ। अरे वाह, इस वाला हाथी तो बहुत परेशान कर जा रहा है, चलो जंगल में लेके चले जाओ। जाते रहो। अरे वाह, देखो जलपरी रानी का बच्चा तो बहुत सुरक्षित है, क्योंकि इस वाले बच्चे के पास में तो कोई हाथी आ गया था और इन दोनों लड़कियों के पास में तो कोई आइसक्रीम और पिज्जा आया हुआ है। और जलपरी रानी की बड़ी वाली लड़की कितनी सुंदर सी लग रही है, क्योंकि इसके पास में तो गालों में लगाने वाला क्रीम और होठों में लगाने वाली लिपस्टिक आई हुई है। बजाने वाले के पास में तो कोई मंकी मामा कोई डायनासोर आया हुआ है। बच्चों आज की कहानी देखने में कितना मजा आ रहा है। इन दोनों गुड्डों का टीकाकरण तो कोई प्यारे से डॉक्टर साहब ने कर दिया है और पीने के लिए एक एक माजा लेके आए हुए। और दूध देने के लिए तो कोई बड़ी वाली गई आई हुई है। पप्पू बेटा घर पे तो आज मेहमान में पतलू और मोटू आए हुए और पकवान में दाल और चावल बन रहे। पप्पू बेटा तो डर के मारे घर के ऊपर चले गए थे, क्योंकि इनके घर पे तो कोई प्यारे से डॉक्टर साहब आए हुए थे टीकाकरण कराने के लिए। और पप्पू बेटा के पास खाने के लिए तो अंगूर और पप्पू बेटा खाने के लिए कोई पाइनएप्पल आया हुआ है। बच्चों आज की कहानी देखने में तो बहुत मजा आ रहा है।